आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपसे गलती से एक ही हाथ की बाजू कटिंग हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करेंगे और कौन सी बाजू ठीक हो सकती है, कौन सी बाजू ठीक नहीं हो सकती। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप एक ही बारी में समझ जाएंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे पेपर कटिंग्स मंगवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बाजू को देखेंगे तो मैं निशान लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप इसमें देखेंगे दोस्तों, ये हिस्सा भी आपका ऊपर का कटा है, ये हिस्सा भी आपका ऊपर का कटा है। तो ये एक हाथ की बाजू आपकी कटिंग हो चुकी है। अब आपको इसको दोनों तरफ की बाजू को कैसे करना है, जाहिर सी बात है अगर हम इसे काट के सेट करेंगे यहाँ से तो बाजू की लेंथ छोटी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ आपकी छोटी हो तो बड़ी कैसे करेंगे और कितनी लेंथ आपकी इसमें छोटी हो सकती है, तो आपको पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले हम ज्यादातर बाजू की जो लेंथ रखते हैं, आर्मोर लेंथ, वो रखते हैं 3.5 इंच पे। आप देख सकते हैं 3.5 इंच पे है। अब इसे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसको देखिए, कटिंग कर लेते हैं हम, तो हम इसको इस तरीके से मिला के रखेंगे, ठीक है। टोटल में दोस्तों यहाँ पे बाजू का मार्जिन हम छोड़ देते हैं, तो हम इसको नापेंगे। हमारी बाजू की जो लंबाई दोस्तों, वो अभी यहाँ पे 1.5 इंच आ रही है तैयार, ठीक है। 1.5 इंच की बाजू को देखते हैं कितनी छोटी होती है बाजू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इधर से हम सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/2 इंच हम निशान लगा लेंगे। और 1/2 इंच निशान लगाने के बाद इधर भी हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये राउंड इस तरीके से जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप चाहे 1/2 इंच ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है 1/2 इंच लेने की, कम भी ले सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ से ना एक हल, और हाँ आप बिगनर हो तो आप एक काम कर सकते हो, इस निशान को ऐसे आराम आराम से ऐसे लगाते हुए ना पहले आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओ ऐसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इससे कटिंग कर लेते हैं, मैंने निशान लगाया है इस हिसाब से, इस पर कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों मैंने ये हिस्सा तो कटिंग कर लिया, अब एक बार नीचे भी देख लेते हैं दोस्तों। देखेंगे आप ध्यान से, अगर देखेंगे पास से, तो ये हिस्सा जो है आपका एक पैर के आसपास, ये देखिए मैं इंची टेप रख रहा हूँ, एक पैर के आसपास का ये हिस्सा भी आपका इतना हिस्सा रहता है, तो एक साइड में आपका इतना फर्क पड़ेगा। आप चाहते हो बिल्कुल फर्क ना पड़े तो आप इसको हल्का सा इस जगह से, लंबाई में ना काटें, इस जगह से इस तरीके से दोस्तों कटिंग करते हुए इधर से ऐसे ले लें, तो आप देखेंगे दोस्तों ये हिस्सा हमारा छट गया, से हमने 1/2 इंच छाटा है और हमारा ये चारों पल्ले एक बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ एक कट लगाएंगे। बाजू अभी हमारी दोनों तरफ की उल्टी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम सबसे ऊपर वाला एक पल्ला उठाएंगे ऐसे उल्टी बाजू में ही, और इसमें से बीच के दो पल्ले पकड़ेंगे, नीचे वाला हिस्सा छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल छाटेंगे, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से जितना फ्रंट छाटते हैं ना उस तरीके का निशान लगा लेंगे। आप जितना भी फ्रंट छाट सकते हो इधर, तकरीबन 1 इंच के आसपास, तो हम यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे। और याद रखें सिर्फ दो ही पल्ले कटिंग करें, तो इसको हम इस तरीके से जब कटिंग करेंगे, तो अब देखिए दोस्तों मैं इस कटिंग को निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली बाजू और ये वाली बाजू, ठीक है, ये दोनों आपकी इस तरीके से आ गई। हम इसे ऐसे रख के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों पहले निशान हमने लगाए थे तो दोनों गड्ढे आपके ऊपर आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये निशान वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे एक गड्ढा आपका नीचे चला गया, इसका मतलब बाजू हमारी सही हो गई। लेकिन हम दोस्तों नापते हैं बाजू की लेंथ, बाजू की लेंथ कितनी कम हुई, जाहिर सी बात है हमने 1/2 इंच कटिंग की है तो 1/2 इंच लेंथ खत्म हुई है, तो हम यहाँ पर इंची टेप से एक बार दोबारा नापते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी 1.5 इंच थी, बची 5 इंच, ठीक है। अब इसको हम कैसे बढ़ाएंगे और किस बाजू में हम इसको लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इधर एक तुरपाई का फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, इधर भी, तो हम मैं इधर कच्ची सिलाई लगाई हुई, मैं इसे खोल देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ना दोस्तों, ऐसी गलती मेरे से भी कई बार हुई है, तो आप इसे ठीक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कच्ची सिलाई है, इसको भी खोल लेते हैं, ये बनाते हुए पता चल जाता है हमें, क्योंकि हम सोचते हैं तुरपाई पे देंगे तो जब जब हमारी बाजू चढ़ेगी, तो बाजू चढ़ाने के टाइम जाते हैं तो एक हाथ की बाजू बन जाती है, तो इस तरीके की कमी कभी हो जाती है। और ये ज्यादातर किसमें होती है, जिसमें लाइनिंग लगाते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी गड़बड़ हो जाती है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें बाजू करनी है 1.5 इंच, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंच, यहाँ पे निशान बाजू का दाव लेके 1.5 पे ऐसे निशान रखना है, तो यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे अब हमें एक तुरपाई का फोल्ड लगा लेना है, इस तरीके से हमारी यहाँ पे बाजू की लंबाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बाजू के यहाँ पे कोई बॉर्डर है, कढ़ाई है, कुछ ऐसी चीज है कि आप लंबाई इसको नहीं बढ़ा सकते, तो आगे की तरफ में आप कोई फ्रिल का डिजाइन बना दें, 1/2 इंच की कोई फ्रिल लगा दें या कोई पट्टी लगा दें डिजाइनर, तो आपकी बाजू की लेंथ बढ़ सकती है। लेकिन कुछ ब्लाउज की बाजू, जैसे ब्लाउज के उसमें अस्तर लगता है, उसमें बाजू ऐसी होती है कि आप उसमें फ्रिल वगैरह भी नहीं लगा सकते, तो आपकी बाजू की लंबाई यहाँ पे
नहीं बढ़ेगी। तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि अगर आपसे गलत कटे तो कैसे ठीक कर सकते हो, और अगर आपके प्लेन कपड़ा है तो बहुत इजी आप तुरपाई के फोल्ड को खोल के दूसरा कपड़ा लगा के दोस्तों आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। तो आपको ये वीडियो क्लियरली एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आप हमारे से पेपर कटिंग्स मंगवाना चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर तो नंबर मैं बोल लेता हूँ 8860206392 +91 लगा लेना, ये इंडिया का कोड है। तो ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जो चीज़ चाहिए आप उसका मैसेज कर देना। तो दोस्तों आपको क्या चीज़ और सीखनी है उसका कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। आपकी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।